सभी साथियों को जय माता दी, जय जय एमबीडी। जैसे कि मेरे सभी साथी जानते हैं, मेरा नाम रानी सिंह है और मैं सुल्तानपुर यूपी से हूँ। और कुछ मेरे नए साथी हैं जो मुझे नहीं जानते होंगे, तो इसलिए मैं पूरा परिचय अपना देना चाहूंगी। दोस्तों, मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ और एक सिलाई सेंटर अपना चलाते थे। और जिस बिजनेस को मैं आगे बढ़ा रही हूँ, इस बिजनेस को मेरे पिताजी करते थे, जिनका बिजनेस आज मैं संभाल रही हूँ। और आज वो नहीं है, फिर भी मैं उनका आशीर्वाद समझ के इस बिजनेस को कर रही हूँ। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ये बिजनेस, और बहुत ही जबरदस्त बिजनेस है ये। और दोस्तों, मैं सिलाई सेंटर पहले पार्ट टाइम करती थी, मैं कई बार आप सभी को बता चुकी हूँ। और इस सिस्टम को मैं पार्ट टाइम करती थी, सिलाई सेंटर में फुल टाइम करती थी, लेकिन अब इस बिजनेस को मैं फुल टाइम करती हूँ और अपने सिलाई सेंटर को मैं पार्ट टाइम करती हूँ। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, मुझे इसमें भविष्य दिखा, इसलिए मैं इसको पूरी तन मन धन से, पूरे लगन से, पूरे ताकत लगा के मैं इस सिस्टम को कर रही हूँ। और पूरे ताकत के साथ जो है, हर व्यक्ति को इस सिस्टम को करना चाहिए। और धन्यवाद देना चाहूंगी मैं दद्दा जी को, जिनके माध्यम से इस बिजनेस की स्थापना हुई और आज हम सब इसका लाभ उठा पा रहे हैं। तो दद्दा जी को बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूंगी, जिसके माध्यम से आज हम लोग इस सिस्टम में एकत्र होके पूरे भारत में अपना नाम रोशन कर रहे हैं और अपना काम आगे बढ़ा रहे हैं, अपने को आगे बढ़ा रहे हैं और हम अपनी पहचान बना रहे हैं। इस बिजनेस के माध्यम से हम सबकी अपनी पहचान अपने काम के माध्यम से हो रही है, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और पंकज सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, आप लोग एकदम बड़े भाई की तरह मुझे गाइड करते हैं, तो हमारे गुरु भी हैं और हमारे बड़े भाई भी हैं, और उसी तरीके से हमें गाइड भी करते हैं। हर कदम पे आप लोगों का हमें सहयोग मिलता रहता है, इसके लिए मैं बहुत अपने को भाग्यशाली समझती हूँ कि आप सभी का मुझे बहुत बहुत ही सहयोग मिलता है। और जो हमारे रमेश सर हैं, जो हमारे अपलाइन हैं, उनका तो मैं बहुत ही धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि कभी भी जब थोड़ा सा भी मेरे मन में निगेटिव पॉइंट आता है, कभी भी मैं निराश होती हूँ, तो फिर बात करके उनसे मतलब पूरा ब्रेन मेरा फिर से वास कर देते हैं, तो फिर से मैं उसी क्रम से काम करने लगती हूँ। तो इसलिए रमेश सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और ओम सर, जिनके माध्यम से इस जूम मीटिंग में आज हम लोग बोल पा रहे हैं, जूम मीटिंग की शुरुआत जो ओम सर ने की है, ये हम सबकी पहचान इससे और बढ़ गई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद ओम सर को, और आप सबसे मुझे बहुत ही सपोर्ट मिलता रहता है। और सीके सर का भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि सीके सर भी बहुत बहुत ही सहयोग मिलता है सर से, और हर कदम पे मेरा साथ देते हैं। और अभी कहीं मुझे दूर का टूर करने जाना होता है, तो मैं सर का सपोर्ट कहती हूँ करने के लिए, सर मेरा सपोर्ट करिए, साथ में चलिए, और बहुत अच्छा सहयोग रहता है सीके सर का। तो ये सब हमारे महागुरु हैं, जिनके माध्यम से हम बहुत कुछ सीखते भी हैं और बहुत कुछ जो है हमको प्रेरणा मिलती है आप सभी से। तो लगता है कि जब सर लोग इतना पूरी मेहनत लगा के एकदम रुक नहीं रहे हैं, तो हम लोगों को तो और भागना चाहिए, क्योंकि हमें अभी उतना जानकारी नहीं है जितना आप लोगों को है। तो मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। जैसा अभी आरती मैम ने कल बहुत अच्छी मीटिंग की थी सारथी के ऊपर, तो जितने भी हमारे ये सीनियर साथी हैं, सारथी सारथी कह सकते हैं, तो सबसे बड़े सारथी तो हमारे दद्दा जी हैं, जिनके अंडर में हम लोग सब लोग काम कर रहे हैं।
तो जब सबसे बड़ा सारथी ही सारथी बन के काम कर रहा है तो फिर हम लोग तो वही सीखेंगे जो हमारे सबसे बड़े सारथी हमें सिखाएंगे। और दद्दा जी का बहुत सहयोग मिलता है, कभी मिलते हैं तो लगता ही नहीं कि हमारे हमसे इतना सीनियर है, ऐसा व्यवहार रहता है दद्दा जी का। तो बहुत ही हम लोग लकी हैं कि ऐसे सिस्टम में हम लोग हैं, जिस सिस्टम में हमको ऐसे कंपनी के ओनर के अंडर में काम करने का मौका मिला है। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं, जितने लोग इस सिस्टम में काम कर रहे हैं वो कहीं के भी हों, बाकी हमारे जितने भी मतलब लीडर हैं वो कहीं के भी हों, जयराम सर हैं प्रयागराज से, कृष्णा जी हैं, अमित सर इटावा से हैं, अमित सर से भी मुझे बहुत ही सपोर्ट मिलता है। कहीं भी मैं किसी को प्रोडक्ट देती हूँ, अगर मुझे लगता है कि मैं मुझे नहीं समझ में आ रहा है, सर से फोन करके मैं जानकारी लेती हूँ, तो सर बहुत अच्छे से गाइड करते हैं अपना कीमती समय निकाल के, तो इसके लिए अमित सर को बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं। अवतार सर से भी मुझे बहुत ही प्रेरणा मिलती है, सर से ही हमने मीटिंग देना सीखा, क्योंकि मुझे तो बोलना भी नहीं आता था सही से, तो सर की मीटिंग सुन के मुझे इतना मैं चार्ज हुई कि मुझे बोलने का, मीटिंग देने का एक मेरे मन में भी हुआ कि मैं भी बोल सकती हूँ। तो अवतार सर से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुकेश सर की मीटिंग हमारे बहुत अच्छी रहती है जो कि दिल्ली से हैं, और सुरेश सर गुजरात से, महेश अस्थाना जी, उनकी भी मीटिंग बहुत अच्छी रहती है। बाकी हमारी जितनी महिला लीडर हैं, जिसकी जिसकी भी मीटिंग लगती है सब बहुत ही जबरदस्त मीटिंग देती हैं, सबसे ही बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो दोस्तों अभी मैं अपनी शुरुआत करती हूँ कि जिस सिस्टम में मैं काम कर रही हूँ उसका जो मतलब प्लान है, इतना जबरदस्त प्लान है दोस्तों कि अगर हम थोड़ा सा भी मोटा मोटा लोगों को बता दें तभी लोगों को समझ में आ जाता है कि लोग कहते हैं कि कितना अच्छा इसका सिस्टम है, कितना अच्छा प्लान है, कि 10% से 40-60% का हम डिस्काउंट भी दे रहे हैं, खरीदारी से 6% से 22% की कैशबैक इनकम दे रहे हैं, और लगातार कोई हमारे यहाँ से 6 महीने परचेजिंग करता है तो उसको हम लोग 7वें महीने फ्री प्रोडक्ट दे रहे हैं, डायरेक्ट इनकम भी दे रहे हैं, बिजनेस बिल्डिंग इनकम अनलिमिटेड है। तो दोस्तों कितना बड़ा हम लोगों का, कितना अच्छा ये प्लान है। टीम ग्रोथ इनकम जो 50% है, अदर कंपनियों में अभी कई लोगों से हम मतलब सुनने को मिला कि कहीं 5% है तो कहीं 6% है। तो दोस्तों इसका प्लान अगर एक बार कोई अच्छे से समझ लेता है ना तो काम करने के लिए मजबूर हो जाता है, प्लान इतना जबरदस्त है इसका। और डिफरेंस इनकम दोस्तों 22% तक, उसके बाद हम रॉयल्टी हमारी जो है 2-8% तक है, फंड इनकम 11 प्रकार की हमारी कंपनी दे रही है, टेक्निकल 1% से 5% तक दे रही है, और जो सबसे बड़ी इनकम दोस्तों हमारी कंपनी देती है हमारे फैमिली सिक्योरिटी इनकम, दोस्तों ये बहुत बड़ी इनकम है जो कि किसी भी कंपनी में आपको ये नहीं मिलता है, जो हमारी कंपनी दे रही है, हमारी JMBD कंपनी दे रही है फैमिली सिक्योरिटी इनकम। तो दोस्तों यहाँ टाइम मनी सिक्योरिटी तीनों चीज से आप एकदम संतुष्ट होते हैं, लेकिन उस हिसाब से आपको मन लगा के अपना टाइम देना होगा, मन लगा के काम करना होगा दोस्तों, तब ये सारी चीजें हम ले सकते हैं। अगर कहीं हम स्टोर खुलवाते हैं उसका भी कंपनी हमें खुलवाने का 2% दे रही है। तो दोस्तों हमारे प्लान में इतनी जबरदस्त पावर है कि हम किसी के सामने अपना प्लान अगर रख दें तो मना कर ही नहीं सकता, इतनी इस प्लान में ताकत है, जिसके माध्यम से हम आज पूरे भारत में अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं। बहुत ही अच्छा प्लान हमारा डिजाइन किया गया है दद्दा जी के माध्यम से, और हम लोगों को बता के उस पे काम कर पा रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा है ये, बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, जैसे कि आज हम लोगों ने अपना टॉपिक रखा है शब्दों की ताकत और MLM का अनुभव। तो शब्दों की ताकत पे दोस्तों अगर बात की जाए
तो बोलने की ताकत जो है ना, ये मतलब समझ लीजिए कि अगर ये गेम है जिसको बोलना आ गया, बोलने का नजरिया जिसका अच्छा रहा और अपने शब्दों की ताकत पहचान लिया, तो इतना ज्यादा अच्छा काम वो कर सकता है दोस्तों। सारा खेल शब्दों का ही है, तो शब्दों की ताकत को पहचानो, बहुत बड़ी ताकत होती है दोस्तों इसमें। और अभी मैंने एक मोटिवेशनल वीडियो सुना था दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगा, वही सुन के मैंने ये टॉपिक लिया था शब्दों की ताकत। लेकिन पिछली बार हम लोग अच्छे से अपना ये नहीं कर पाए थे मीटिंग, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, इसलिए हमने दोबारा ही फिर से अपनी वही टॉपिक रखी जो हमने लिया था शब्दों की ताकत। तो दोस्तों एक कहानी मैंने उसमें सुना था कि केन्या में एक आदमी मतलब आत्महत्या करने वाला था, तो उसके मन में विचार आया दोस्तों कि मैं तो मर ही रहा हूं, तो दो चार लोगों को और साथ लेके मरूं। तो इस कहानी से हमें बहुत कुछ दोस्तों को सीखने को मिलता है। तो उसने एक छोटा सा अपना विज्ञापन दिया पेपर में कि केन्या देश के समस्त वासियों को उसने एक मैसेज किया, सूचित किया कि जिसको अपने दुखों से मुक्त होना है वो शाम को 5 बजे फला ऑडिटोरियम में आ जाए। दोस्तों उसने ये विज्ञापन देके 2000 लोगों की भीड़ इकट्ठा कर ली। इतनी ताकत होती है शब्दों में। तो अगर वो अपने 2000 लोगों को इकट्ठा किया दोस्तों, और 2000 लोग आए, और उसने सारे लोगों को दुखों के ऊपर 3-4 घंटे भाषण दिया, और आखिरी में उसने दुखों से परमानेंट छुटकारा पाने के लिए जो सबसे लास्ट लाइन बोली उसने, आप दोस्तों सुनेंगे तो आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतनी शब्दों में ताकत होती है कि लोग उसका कहना मान लिए। उसने मतलब लास्ट लाइन अपनी बोली कि अगर कोई परमानेंट अपने दुखों से छुटकारा पाना चाहता है तो साइनाइड की गोलियां चारों तरफ रखी हैं, जीभ पर लगाओ और कार्यक्रम समाप्त। दोस्तों इतना अच्छा उसका मोटिवेशन था कि विश्व का सबसे बड़ा सोसाइट था ये, जहां एक साथ 2000 लोगों ने सुसाइड किया था। तो शब्दों में दोस्तों वो ताकत होती है। तो उसने 2000 लोगों को दोस्तों मरने के लिए तैयार कर लिया। तो क्या हम लोग 2000 नहीं, 2 लोगों को अच्छी चीजों को बता के अच्छे काम करने के लिए नहीं जागरूक कर सकते? तो कहने का मतलब है दोस्तों कि शब्दों में हमारे वो ताकत होती है कि लोग यहाँ निगेटिव चीजें बोल के लोगों को मरने के लिए तैयार कर लेते हैं, तो हम तो उनकी जिंदगी बनाने के लिए बात करते हैं, जिंदगी बचाने के लिए बात करते हैं, तो क्या हम अपनी बातों से उनको जो है इस सिस्टम को करने के लिए नहीं तैयार कर सकते? तो दोस्तों शब्दों में बहुत बड़ी ताकत होती है। हम अपने शब्दों को किस तरीके से रख रहे हैं मायने ये रखता है। शब्द इतने पावरफुल होते हैं दोस्तों कि लोगों में ऊर्जा भर देते हैं और लोग मजबूर हो जाते हैं काम करने के लिए। तो अगर एक व्यक्ति लोगों में नेगेटिव बातें करके उनको मरने के लिए तैयार कर लेता है, तो हम अच्छी बातें करके, उनके फायदे की बातें करके, पॉजिटिव बातें करके लोगों को बिजनेस करने के लिए तैयार कर सकते हैं। तो शब्दों में बहुत बड़ी ताकत होती है दोस्तों। शब्दों की ताकत को हम लोग पहचाने, और जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं, सारा खेल दोस्तों बोलने का ही है। अगर फील्ड में जा रहे हैं, बोलने की दुनिया में हम लोग इंटर कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें अपने शब्दों को अच्छे तरीके से लोगों के सामने रखना होगा। और शब्दों में इतनी ताकत होती है दोस्तों कि वो मतलब शब्द ही तो मतलब शब्द ऐसे होते हैं दोस्तों कि शब्द से ही जीवन का संचार होता है।
और शब्द अपने हम इस तरीके से लोगों के सामने रखें कि लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएं, अगर अच्छी तरीके से हम उनको इस सिस्टम के बारे में पूरा कायदे से मार्केटिंग प्लान पूरा समझा के और अच्छे से सिस्टम बताएं, तो हमारे शब्दों में वो ताकत होती है दोस्तों कि लोगों में जोश आ जाता है, लोग मजबूर हो जाते हैं काम करने के लिए। जब शब्दों की गहराई से आदमी को एकदम शब्दों की गहराई से हम आदमी के कलेजे को एकदम छलनी कर दें, क्योंकि हम उनके जो है सपनों को पूरा करने की बात करते हैं, हम उनके फायदे की बात करते हैं। तो कहने का मतलब है कि हमारे शब्द ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, जिनके माध्यम से हम लोगों को अपनी बातें पहुंचा पाते हैं। जितना ही अच्छे तरीके से हम अपने शब्द को लोगों के सामने परोसेंगे, उतना ही अच्छे से लोग जो है हमारे शब्दों को समझेंगे। तो शब्दों से ही जीवन का संचार होता है दोस्तों, और शब्दों से ही रोशनी पैदा होती है, और शब्द में वो ताकत होती है दोस्तों कि अंधे को भी जीने के लिए मजबूर कर देते हैं। अंधे को भी कह सकते हैं कि प्रकृति को अपने मन की आंखों से देखो, इतने पावरफुल होते हैं शब्द। तो कहने का मतलब है दोस्तों, जिस दुनिया में हम लोग काम कर रहे हैं वहां पे सारा शब्द सारा खेल दोस्तों शब्दों का ही है। इसी शब्द से ही हम लोगों के दिलों में घर बनाते हैं, लोगों के दिलों में को जीतते हैं, और उनके फायदे के लिए हम जो काम ये कर रहे हैं तो पूरी अच्छी तरीके से उनके सारे फायदे उनको बताएं कि इस सिस्टम को हम कर रहे हैं, इसमें हम सबका फायदा है, जिसके माध्यम से हम लोगों की बेरोजगारी और बीमारी दोनों खत्म कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जिस MLM सिस्टम में हम काम कर रहे हैं, अगर आज हम MLM में ना होते, MLM के दुनिया में हम आज ना होते, तो अपने शब्दों को हम लोगों तक पहुंचा ही ना पाते, क्योंकि मुझे एक हिचकिचाहट होती कि मैं अब कैसे बोलूं, कैसे लोगों को बताऊं। तो थोड़ा सा डर सा मन में रहता था कि लोगों को बताएंगे, पता नहीं लोग मेरी बात सुनेंगे कि नहीं। मैं अपनी भी बात करती हूं कि मैं पहले बहुत डरती थी दोस्तों, मैं अपनी बातें खुद नहीं रखती थी। ऐसा नहीं है था कि मुझे जानकारी नहीं थी, मन में मेरे रहता था, लेकिन मुझे डर रहता था कि मैं बताऊं पता नहीं अगले को समझ में आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन कोरोना के बाद ओम सर का हमारे सुल्तानपुर में आगमन हुआ। एक छोटी सी कहानी है, छोटी सी घटना भी कह सकते हैं दोस्तों। तो हम लोगों ने मिलकर साथ में काम किया, तो वहां पे ओम भैया के साथ काम करते करते मेरा जो ये बोलने का और जो हिचकिचाहट थी, जो लोगों के सामने बातें रखने की या अपनी बातें किसी से कहने की, जो हमारे अंदर एक हिचकिचाहट थी, ओम भैया के साथ काम करते करते मुझे काफी इसमें जो है बहुत अच्छा लगने लगा, और अपनी बातें हम रखने भी लगे लोगों के सामने, और नए लोगों के सामने अपनी बातें भी रखने लगे। और हम तो सभी का धन्यवाद देते हैं, पंकज सर, ओम सर, रमेश सर, दद्दा जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप सभी के माध्यम से और आप लोगों की वजह से इतना कुछ सीखते हुए आज मैं इतना बोल पा रही हूँ। तो कहने का मतलब है कि आप लोगों ने भी तो शब्दों से ही मुझे मोटिवेट किया। तो शब्द में बहुत बड़ी ताकत होती है दोस्तों, हम सब बहुत अच्छा काम कर सकते हैं अपने शब्दों को अच्छे तरीके से रख के और बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं हम लोग। तो शब्दों में बहुत बड़ी ताकत होती है दोस्तों, जो हम लोगों ने आज टॉपिक लिया था। कहीं अगर मैंने गलती से कुछ गलत बोला हो तो मैं सभी से माफी चाहती हूँ, क्योंकि आज दिन भर हम लोगों ने फील्ड किया, 7:30 बजे मैं घर पहुंची हूँ, तो मीटिंग की कोई उस तरह से तैयारी थी नहीं, सिर्फ और आने के बाद दिन भर हम लोग भूखे भी रहे, तो खाना भी जो है आने के बाद ये हुआ कि थोड़ा सा पहले खा पी लिया जाए तब तैयारी किया जाए, तो ज्यादा मौका नहीं मिला मीटिंग की तैयारी करने के लिए।
तो जो भी मैं बोल रही हूँ अगर इसमें कोई गलती हुई हो तो हम सभी से माफी चाहते हैं, और शब्दों की ताकत को हम सब पहचाने दोस्तों, शब्द बहुत बड़ी चीज होती है और इसी से हम लोगों को जीत सकते हैं, शब्द से ही हम अपने बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकते हैं। जो बहुत विश्वास आ चुका है अपने में, ये शब्द की ताकत ही है कि आज हम कुछ इतना बड़ा करने का सोच पा रहे हैं। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है MLM का अनुभव, तो MLM का अनुभव दोस्तों हर बिजनेस से बहुत हटके है और बहुत ही अच्छा है। जो इसकी ताकत को पहचान लेता है वो कभी और बिजनेस करने के लिए कभी नहीं सोचता है। MLM एक ऐसा बिजनेस है दोस्तों जिसके माध्यम से हमारी पहचान होती है और हर जगह आने जाने का हमें एक अवसर प्राप्त होता है। MLM वो बिजनेस है दोस्तों जिसके माध्यम से हम दुनिया के किसी कोने में जा सकते हैं और अपनी एक पहचान अपने अपने नाम से बना सकते हैं। और अपने नाम की बात करें दोस्तों तो आप सभी लोग मेरे नाम से परिचित हैं, रानी सिंह के नाम से आप जानते हैं, लेकिन जिस जो नाम मेरा लिखने में चलता है शायद वो नाम कोई कोई जानता होगा। तो दोस्तों जो मेरा नाम है, मेरा जो लिखने में नाम चलता है दोस्तों, वो भागीरथी के नाम से है और मैं अपने इस नाम की ताकत आज पहचान पा रही हूँ जो कि कभी जो है मतलब पिताजी से मैं अपने कहती थी कि इतना लंबा चौड़ा नाम मेरा क्यों रख दिया, तो कहते थे कि तुम्हारा नाम तुम्हारी आदतों के अनुसार रखा गया है, तुमको जो है बहुत लोगों का उद्धार करना है। तो मुझे नहीं समझ में आता था, हम कहते थे इससे अच्छा तो मेरा रानी ही नाम अच्छा है। लेकिन आज मैं जब बहुत लोगों को स्वस्थ कर रही हूँ, बहुत लोगों को की जिंदगियां बदल रही हूँ इस बिजनेस के माध्यम से, बहुत लोगों को मैं रोजगार दे रही हूँ, तब आज मुझे समझ में आता है कि मेरा नाम सच में जो भागीरथी रखा गया था इसीलिए रखा गया था कि हम लोगों की जिंदगियों को बदलें। तो कहने का मतलब दोस्तों कि नाम का भी बहुत असर होता है। तो जो भी मतलब मैं अपने नाम की ताकत को मैं आज पहचान पा रही हूँ और मुझे गर्व है कि मेरे पिताजी ने सोच समझ के मेरा नाम बहुत अच्छा रखा था। ये तो अब अभी मुझे कई लोगों को मौका भी देना है दोस्तों, टाइम भी लगभग काफी हो चुका है। तो सबसे पहले मैं कोशिश मतलब स्नेहा पटेल जी को मौका दूंगी जो कि प्रयागराज से हैं और इस टाइम की जितनी भी महिला टीम है सबसे छोटी महिला लीडर हमारी और आज के इस युवा पीढ़ी की उभरती हुई महिला लीडर बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम करती हैं। उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला था, मैं सुल्तानपुर में स्नेहा जी आई हुई थी, मैंने बुलाया था उनको, तो बहुत ही अच्छा उनके साथ का अनुभव रहा मेरा, बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे उनसे। तो जरूरी नहीं है दोस्तों कि अगर कोई हमसे बड़ा है तभी हम उससे सीखें, हमसे छोटा भी कोई है तो उसके भी बहुत अनुभव होते हैं, उससे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो स्नेहा जी के साथ काम करके मुझे मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, हो सकता है कि उन्होंने भी मेरे मतलब मेरे से कुछ सीखा हो। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, सबसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और सीखना भी चाहिए, हमेशा सीखने का प्रयास करना चाहिए दोस्तों। कभी भी ये नहीं दिखाना चाहिए कि मुझे तो सब कुछ आता है, जितना ही सीखेंगे हम उतना ही आगे बढ़ेंगे। ये हमारा जो MLM बिजनेस है सीखने सिखाने का है, हम सीखें और दूसरों को सिखाएं, इससे हमारा अनुभव और जानकारी दोनों बढ़ता है।
जिससे हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और बहुत लोगों को जो है, बहुत लोगों की जिंदगी को इस माध्यम से, इस अपने सिस्टम से बहुत लोगों की जिंदगी को हम लोग बदल सकते हैं। बहुत अच्छा हमारा प्लेटफॉर्म है ये। तो अब जो हमारा ये सिस्टम, जिस टॉपिक पे आज हम लोग बात कर रहे हैं, शब्दों की ताकत, दोस्तों शब्द जो है, हमारे शब्द ही तो हैं जिनके माध्यम से हम लोग अपनी बातें लोगों तक पहुंचा पाते हैं और शब्दों को मार्केट में लोगों के दिल में जगह बना पाते हैं, एक संतुष्टि पैदा करते हैं, अपनी बातों से उनको कन्विंस कर पाते हैं, शब्दों से उत्तर पैदा करते हैं लोगों के दिलों में। तो कहने का मतलब है, शब्द हमारे जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा हम लोगों को उकसा पाएंगे और लोगों को उतना ज्यादा मोटिवेट कर पाएंगे और उनके सपने को पूरा करने में उनकी मदद कर पाएंगे। तो हमारे शब्द बहुत ही पावरफुल होने चाहिए, जिनसे लोगों को मोटिवेट होने में और जो है समझने में, अपनी बहुत ही सरलता से अपनी बातें रखें हम, जिससे लोगों को हमारी बातें समझ में आए। और हमारे सिस्टम में दोस्तों, हम लोग लोगों को बताते हैं कि इसको एक, जो हमारा बिजनेस है, इसको एक बच्चा भी कर सकता है, एक बूढ़ा भी कर सकता है, एक पढ़ा लिखा भी कर सकता है, एक अनपढ़ भी कर सकता है। ऐसा हमारा बिजनेस है कि इसको हर व्यक्ति कर सकता है। ना यहाँ पे कोई एज का बाउंडेशन है और ना ही कोई यहाँ एजुकेशन का बाउंडेशन है। तो दोस्तों बहुत ही लाजवाब बिजनेस है ये, जिसके लिए दद्दा जी की जितनी तारीफ की जाए हेलो। उतना ही कम है। मैं देर ज्यादा नहीं करूंगी क्योंकि अभी कुछ लोगों को और भी मौका देना है। तो सबसे पहले मैं स्नेहा पटेल जी को मौका देती हूँ, जो कि प्रयागराज से हैं और अपनी बातों को रखें। और शिवांशु भैया, स्नेहा पटेल जी का माइक अनम्यूट कर दें। जी स्नेहा जी, हेलो हेलो। मैम, आवाज आ रही है हमारी? जी, आ रही है स्नेहा जी, चलिए बात रखें अपनी। ओके, थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत बेहतर तरीके से आपने अपनी बातों को रखा। मैंने भी आपसे बहुत सारी चीजें सीखी है। काम करने का जितना सॉलिड तरीका आपका है वो मैं पूरा लेके आई हूँ सुल्तानपुर से। और यही होता है कि लोगों का एक्सपीरियंस, लोगों का अनुभव जो हम लोग लेते हैं एक दूसरे से, जो सीखते हैं कि कहाँ पे क्या गलती हो रही है, ये हम लोग एक दूसरे को देख के बहुत बेहतर तरीके से सुधार कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमने सुल्तानपुर से सीखी हैं। सबसे पहले तो अपने सिस्टम के निर्माता दद्दा जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने ऐसा सिस्टम दिया जहाँ से हर कोई अपने सपने को पूरा कर सकता है। और इतनी बेहतर अपॉर्चुनिटी दी है उन्होंने हम सबको कि हम अपने साथ साथ हजारों लोगों को सक्सेस कर सकते हैं, जो कि दुनिया के किसी भी बिजनेस में नहीं होता, किसी भी इंडस्ट्री में नहीं होता। वो चीज यहाँ से हम लोगों को मिल सकती है, मिल रही है। जी, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि इतना बेहतर सपोर्ट और हर चीज को हम लोगों को भी बताते हैं कि कहाँ पे क्या गलती है, क्या कैसे क्या करना है। अभी जब नेक्स्ट मीटिंग हुई तो दद्दा जी का फोन आया था, उन्होंने अच्छे से समझाया हम लोगों को कि मीटिंग को किस तरीके से होस्ट करो, क्योंकि ये मीटिंग जो है आगे चल के, अभी भले ही किसी को ना समझ आ रही हो बट आगे चल के ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाएंगे, जितने भी मीटिंग लोड हो रहे हैं यूट्यूब पे। तो इसलिए इन लोग मीटिंगों का बेहतर होना बहुत जरूरी है। और हम सबके लीडर भी इतने जबरदस्त हैं कि बहुत बेहतर तरीके मीटिंग को करते हैं। इंडिया के किसी भी कोने के, चाहे जो भी हो, अपने यहाँ के जितने भी मेंबर्स हैं, जिनकी भी मीटिंग होती है बहुत ही शानदार होती है। और अगर सीखने वाला कोई है तो बहुत सारी चीजें यहाँ से सीख सकते हैं, जैसे कि कभी निगेटिव ना होना, ये जूम मीटिंग से बहुत आसानी से मिल सकता है।
और इसी के साथ साथ हम रमेश सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। वो एक ऐसे लीडर हैं जो इतनी बखूबी तरीके से सबको लीड कर रहे हैं, और बहुत अच्छा लगता है सर के साथ काम करने में। हम लोगों का भी अनुभव रहा है, क्योंकि अभी सर का इधर टूर था प्रयागराज में, तो बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिली सर से, और बहुत बेहतर तरीके से बताते हैं। खासकर हम लोगों को बहुत अच्छे से समझाते हैं कि आप किस तरीके से करो, क्योंकि हम लोगों को जल्दी करना है और बहुत बड़ा करना है। और जैसे कि अभी बात करें अपने यहाँ की सपोर्टिंग सिस्टम का, तो उसमें से रमेश सर हम लोगों के लिए सबसे बेहतर हैं, क्योंकि इतनी बेहतर तरीके से हर चीजों को बताना, मैं देखती हूँ कि बिल्कुल परेशान रहते हैं काम को लेके, कि कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे क्या। 23 तारीख की अभी तैयारी चल रही है, उसको लेके जब भी सर से मुलाकात होती है, बिल्कुल बातचीत होती है बहुत बेहतर तरीके से, और उनकी कोशिश रहती है कि हम लोग अच्छे से अच्छा करें, जितना हो सके वो सिखाने की पूरी कोशिश करते हैं, और उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है हम लोगों को। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं ऊपर वाले का, जो ऐसे ऐसे अपलाइन ऐसे ऐसे महागुरु हम लोगों को मिले हैं, कि हम लोग अगर नहीं भी चलना चाहें तो भी खींच के सक्सेस कर देंगे। वो काबिलियत है रमेश सर में। गुरुओं की बात है तो मैं सीके सर के लिए बोलना चाहूंगी कि वो भी बहुत ही शानदार और एकदम जबरदस्त लीडर हैं, और सर की मीटिंग एकदम से जबरदस्त हुई थी। ऐसा लगता है कि जैसे सारी शांति शांति से चल रही थी, और जब सर ने मीटिंग की बिल्कुल दहाड़ के, तो अगर किसी को नींद लगी रही होगी तो उठ के बैठ गया होगा। जिस तरीके से सर ने मीटिंग दी थी अभी, बहुत बेहतर लगा। और सर का बहुत सहयोग मिलता है, सर का बहुत साथ मिलता है हम लोगों को फील्ड में, और सर भी रमेश सर की तरह हर चीज को सिखाने की पूरी कोशिश करते हैं कि स्नेहा कहाँ पे आप क्या कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो मेरी एज सबसे कम है, और मेरे लिए बहुत बेहतर मौका है, किसी से सीख सकती हूँ। वैसे सीखने का तो हर कोई सीख सकता है, और मैं मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत बेहतर मौका है, क्योंकि कहते हैं कि अगर आप अपने से बड़ी एज वालों की संगत में रहते हो तो आप कभी गलत रास्ते पे नहीं जा सकते हो। तो हमको सबकी बहुत अच्छी खासी संगत मिलती है, और बहुत अच्छा समय भी सबका मिलता है, सपोर्ट भी सबका बहुत बेहतर मिलता है, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। और जो नहीं आता है हम शेयर करते हैं सर लोगों से, वो लोग तुरंत बताते हैं, तो ये बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। और ऐसे मैं बात करूं, जैसे कल मैम ने मीटिंग दी शार्थी के ऊपर, मैं बात करूं तो मेरे घर में जो कहते हैं कि बिजनेस का एक अपलाइन होना बहुत जरूरी है, एक गुरु होना बहुत जरूरी है, तो उसके रूप में हमारे पापा हैं, जो कि सारी चीजों को बहुत बेहतर तरीके से करते हैं, और उनकी पूरी कोशिश रहती है कि वो कितना जल्दी कितनी चीजों को हम लोगों को सिखा दे। वो चाहते हैं कि उनका जितना भी एक्सपीरियंस है, जितना भी अनुभव है, वो हम लोगों को अभी से सिखा दें। और पापा के साथ साथ पूरी मेरी पूरी फैमिली का बहुत सपोर्ट रहता है सर, लोगों का आना भी होता है यहाँ पे, घर पे रुकना भी होता है, तो मेरी फैमिली में बहुत बेहतर सपोर्ट मिलता है। इसके लिए मैं ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि MLM डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसको हर कोई अच्छा नहीं मानता, बट हमारे घर में है भले ही बहुत जबरदस्त और नायाब चीज, बट हर कोई इसको नहीं समझ पाता, हर कोई इसको अच्छा नहीं मानता, लेकिन हमारे घर में बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट किया जाता है। जे मीडी को हमको काम करने के लिए, फील्ड में निकलने के लिए, हर किसी से बात करने के लिए, तो ये एक बहुत बेहतर सपोर्ट रहता है, जो कि बिजनेस में बहुत जरूरी है। और मैं अनुभव भी कर रही हूँ कि अगर ये सपोर्ट नहीं होता तो कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत होती हम लोगों को काम करने में, जो कि हमारे घर से हमको मिल रहा है। और इसी के साथ साथ मैं बताना चाहूँ आपको कि 23 तारीख की जो 23 की जो मीटिंग है हम लोगों की एनिवर्सरी, उसकी तैयारी भी बहुत शानदार तरीके से पापा कर रहे हैं और हम लोग भी कर रहे हैं,
पूरी प्रयागराज की टीम कर रही है, जैसे कि माहौल आप लोग देख रहे हो पूरे इंडिया से सब लोग, वो चाहे पंजाब की टीम हो या बंगाल की टीम हो या गुजरात या पूरी दिल्ली की टीम हो एमपी की टीम हो, सब लोग बहुत बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। और वाकई में 23 अप्रैल एक ऐतिहासिक दिन होगा, जैसा कि हमारे सीके सर बोलते हैं कि 23 अप्रैल मतलब सफलता का ऐतिहासिक दिन, तो वाकई में वो सफलता का ऐतिहासिक दिन होगा और हमारी जेएमबीडी कंपनी के लिए बहुत अहमियत रखता है 23 अप्रैल। और हम लोग जो भी जितने भी मेंबर्स हैं सब लोग बहुत बेहतर कर रहे हैं कि कितनी जल्दी हम लोग जेएमबीडी को नंबर वन पे लाएं, और इसके लिए सबका सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। कृष्णा सर है हमारे यहाँ से, सर का भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है, सर की भी बहुत बेहतर तैयारी है 23 को लेके। राज नारायण सर है, उनकी भी बहुत जबरदस्त तैयारी है, और हमें लगता है पूरी जेएमबीडी कंपनी में सबसे एजेड अचीवर होंगे राज नारायण सर। राम सजीवन जी हैं प्रयागराज से, उनकी बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। अभी महेंद्र सर का सामान पापा देख के आए हैं स्टोर का, सर की भी बहुत बेहतर तैयारी चल रही है। तो देखा जाए कहीं ना कहीं टाइम भी बहुत कम है, लेकिन सब लोग बिल्कुल लगे पड़े हैं, और बहुत बेहतर है ये चीज कि हम लोग अगर जैसे किसी फंक्शन की तैयारी करते हैं उसी तरीके से पूरे इंडिया में जहां जहां पे भी हम लोगों का वर्क चल रहा है बहुत बेहतर तरीके से तैयारी चल रही है। और मैं बात करूं अपने प्रतापगढ़ की टीम का, तो जहां से देवराज सर बहुत शानदार मेहनत कर रहे हैं, सर की मेहनत वाकई में काबिले तारीफ है, क्योंकि जिस तरीके से वहां पे पूरे प्रतापगढ़ में सर संभाल के रखा है पूरे प्रतापगढ़ को सर ने, बहुत बेहतर तरीके से वो पूरी टीम को भी लीड कर रहे हैं, और हर संडे की मीटिंग करवाते हैं वीकली, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से होती है, बहुत बेहतर लगता है, हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर से। अखिलेश जी हैं प्रतापगढ़ से, उनका भी बहुत अच्छा वर्क रहता है। सुम्पा मैडम है, मोनिका जी हैं जो कि हमारी एज की हैं और बहुत अच्छी तरीके से सीख रही हैं सिस्टम को और बहुत बेहतर करना चाह रही हैं, और पूरा सपोर्ट रहेगा उनको हम लोगों का, और अगर यहाँ पे बने रहेंगे तो ये 100% गारंटी है कि सक्सेस तो होना ही होना है। सरिता जी हैं, साक्षी जी हैं जो कि एक्टिव रहते हैं सिस्टम को लेके, बहुत बेहतर लगता है, और पूरे प्रतापगढ़ में एक माहौल सा बना हुआ है जेएमबीडी का, सर लोगों का भी आना जाना होता है उधर, बहुत अच्छा लगता है। और प्रयागराज की तरह प्रतापगढ़ भी बहुत जल्द छानने वाला है। और सपोर्ट की बात करूं, मैं अपने गुरुओं की बात करूं, तो आजाद सर जिनसे हर कोई सीखता है, हम लोग भी बहुत कुछ सीखते हैं, और सर की मीटिंग बहुत बेहतर होती है, सर का हर शब्द अनुभव भरा होता है, ये बहुत अच्छा लगता है, और सर हमेशा कहते हैं कि हम आपसे सीखते हैं, तो सर हम लोग आपसे सीखते हैं। अमित सर का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है, और पूरे प्रोडक्टों की जानकारी देते हैं सर, पूरा कस्टमर केयर का काम कर जाते हैं, और इसके साथ साथ सर अपना भी पूरा काम करते हैं और हम लोगों को भी टाइम देते हैं, इसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि साथियों कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हम लोग सब लोग खुद ही में परेशान रहते हैं, लेकिन सर के पास इतनी कॉलेज आती हैं कि सर पूरा मैनेजमेंट करते हैं, किसको क्या जरूरत है, बस जरा सा कंफ्यूजन होती है सर के पास कॉल कर लेते हैं, तो बहुत बेहतर लगता है। सर का सपोर्ट जो है वो भी सराहनीय है, क्योंकि सबके लिए एक जैसी भावना रखते हैं, बहुत अच्छा लगता है, हम लोगों को भी जब भी जरूरत पड़ती है तो सर को कॉल कर लेते हैं, तो सर का भी सपोर्ट बहुत बेहतर मिलता है, सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आज हम लोगों की जो है टॉपिक जो है शब्दों की ताकत, तो साथियों कहीं ना कहीं पूरा जो सिस्टम होता है सक्सेस का वो शब्दों पे ही डिपेंड करता है। अगर हमें ढंग से बोलना आ गया, कहते हैं जिसको शब्दों का जादू आ गया उससे बड़ा जादूगर इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप अगर किसी के सामने प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो कैसे शब्द यूज कर रहे हो, आप अगर किसी को खुश करना चाहते हो तो उसके लिए भी एक शब्द की ही जरूरत होती है, अगर आप किसी को दुखी करना चाहते हो उसके लिए भी एक शब्द की ही जरूरत होती है,
आप अपनी फैमिली को जोड़ के रखते हो, वहां पे भी शब्द बहुत मायने रखता है। किसी की लाइफ में कोई भी मोमेंट हो, वहां पे शब्द का बहुत बड़ा महत्व होता है, और सक्सेस में तो शब्द का बहुत बड़ा महत्व तो होता ही होता है, क्योंकि शब्दों की ही ताकत है कि हम एक दूसरे को इम्प्रेस कर पाते हैं, एक दूसरे को अपनी बात को समझा पाते हैं। और एमएलएम का अनुभव इसकी बात करूं तो इतनी सी एज में बहुत सारा अनुभव मुझे मिल रहा है यहाँ पे, खासकर फील्ड में। अगर आप फील्ड कर रहे हो तो मैं ये सोचती हूँ कि आप सक्सेस हो या ना हो, लेकिन अगर आप इस इंडस्ट्री में हो तो आप अंदर से इतने सॉलिड हो जाते हो कि कोई आपको हिला नहीं सकता। आप किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी, कहीं पे भी चले जाओ, कहीं पे भी जॉब करो, अगर आप एमएलएम से सीखे हुए हो, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से निकले हुए हो, तो आपके अंदर खुद को प्रेजेंट करने की एक बहुत ही बेहतर ताकत आ जाती है, क्योंकि यहाँ इतने सारे रिजेक्शन, लोग पॉजिटिव निगेटिव बातें करते हैं, हर किसी से आप मिलोगे तो हर कोई अलग अलग बातों को रखता है, जो कि और कहीं पे मिलता ही नहीं। मैं बात करूं आप लोगों, मैं बताऊं आप लोगों को, तो अगर अब मुझे कोई जॉब करनी हो तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि जो एक बार फील्ड में निकल जाता है, फील्ड के अनुभव ले लेता है और नेटवर्क की ताकत समझ लेता है, उसको कोई जॉब अच्छी लग ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे हर पल आप एक नए पर्सन से मिल रहे हो, उनके अनुभव को ले रहे हो, उनसे कुछ ना कुछ सीख रहे हो, लेकिन जॉब में ऐसा नहीं होता, वहां आप बंध के रह जाते हो। तो ये एक बहुत बेहतर अनुभव, बहुत सारी चीजें हम लोग सीख रहे हैं, जैसे कि आज दो तीन लोगों को बोलना भी है, रानी मैम ने टाइम ज्यादा खींच दिया, और लेकिन अगर बात करूं मैं एमएलएम की, तो ये एक ऐसा व्यवसाय है, एक ऐसा बिजनेस है, जहां पे अगर आप टिक गए, यहाँ पे आना बड़ी बात नहीं होती, यहाँ पे टिकना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आने को तो हर कोई आ जाता है लेकिन टिक नहीं पाता। सक्सेस जो है ना, वो आपसे सब्र मांगती है, जुनून मांगती है, बलिदान मांगती है, मेहनत मांगती है, और ये सारी चीजें डिपेंड करता है जुनून पे। अगर आपके अंदर पैशन है कि हाँ मेरे को ये करना है, मैं ये करना चाहती हूँ अभी, तो ये बहुत महत्वपूर्ण रखता है यहाँ पे टिकना। मैं अभी फील्ड में जब निकलती हूँ तो बहुत सारे ऐसे लोगों से मुलाकात होती है जो चार चार पांच पांच कंपनियां कर चुके होते हैं, बहुत सारे लोग दस दस कंपनियों को ज्वाइन करके छोड़ चुके होते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि हम इस लेवल पे थे, हम डायमंड बनने वाले थे, हम ये बनने वाले थे, हम वो बनने वाले थे, पर हमने वहां से क्विट कर दिया, हमने छोड़ दिया। मैं सोचती हूँ कभी कभी कि कुछ यहाँ पे भी बात आती है शब्दों की, कुछ मोमेंट ऐसे हो जाते हैं जहां पे हम लोग भूल जाते हैं, अपनी पूरी मेहनत को भूल जाते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि कैसे हमने एक एक लोगों को खड़ा किया है। और कुछ लोगों को तो इतनी ईगो आ जाती है कि उन्हें लगता है कि हम अकेले ही सब कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो ये काम हम अकेले कर सकते हैं। लेकिन साथियों, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हो, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि ये एक टीम वर्क है, इसका नाम ही है नेटवर्क। तो अगर आप टीम को बनाकर नहीं चलोगे, यहाँ पे भी बात आती है शब्दों की, अगर आपके शब्द, आप ऐसे शब्दों को नहीं रखते हो जो आपके सामने वाले को संतुष्ट कर सके, तो आप नेटवर्क नहीं कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं सारी सारा सिस्टम जो है अपना, वो टीम वर्क ही है, तो टीम पे ही चलता है। लोगों को मैनेजमेंट करना है यहाँ पे, यहाँ पे किसी का ईगो नहीं चल सकता कि हम उन्हें लगे कि हाँ हमें सब कुछ आता है। रानी मैम ने अभी बोला कि ये सीखने सिखाने का व्यवसाय है, यहाँ पे हमें कभी नहीं लगना चाहिए कि हमें सब कुछ आता है। और वो कह रहे हैं कि हर किसी से, कोई छोटा हो या बड़ा, हमें हर किसी से सीखना चाहिए। तो साथियों, बिना सीखे तो
तो कोई साइकिल भी नहीं चला सकता, और सीख कर तो लोग जहाज भी उड़ा लेते हैं। हमें एकदम विनम्र भाव रखना है, क्योंकि हमारा जो रिएक्ट होता है टीम के प्रति, हमारा जो भाव होता है वो बहुत मायने रखता है। हम यहाँ खुद अकेले के सक्सेस के लिए नहीं आते हैं, हम यहाँ हजारों लोगों की सक्सेस के लिए आते हैं। तो उसी हिसाब से हम लोगों को खुद को चेंज करना होगा अगर हमें यहाँ पे सक्सेस होना है, वरना हमारे भी गिनती उन्हीं लोगों में होगी कि मैंने फला कंपनी की थी, मैं डायमंड बनने वाला था और मैंने छोड़ दिया, मैंने वहां पे ये लेवल अचीव किया था, मैं ये कर जाता मगर मैंने छोड़ दिया। तो ये नहीं करना है साथियों, क्योंकि एक बंदे को खड़ा करने की जो मेहनत होती है वो हम लोगों को समझ में आ रही है, मैं फील्ड करती हूँ। बहुत बहुत तकलीफ होती है इस बात से कि अगर किसी के पीछे हम लोग 6 महीने से लगे रहे और वो छोड़ के चला जाए, तो ऐसा लगता है कि फैमिली का कोई मेंबर जा रहा है हमें छोड़ के। तो इस चीज को आप लोग समझो, ये मैनेजमेंट हम लोगों को आना बहुत जरूरी है। और ये मैं सब लोगों को नहीं बोल रही हूँ, मैं खुद को भी बोल रही हूँ, क्योंकि हम लोग भी कहीं ना कहीं सीख ही रहे हैं। तो हम लोगों को भी आना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ आप अकेले के लिए कुछ भी नहीं करते हो, यहाँ आप अपने साथ साथ हजारों लोगों को सक्सेस करने आते हो। तो उसी हिसाब से हम लोगों को अपनी थिंकिंग, अपने स्वभाव, अपने व्यवहार, अपनी बातों को परोसना है लोगों के सामने कि कहीं ना कहीं उन्हें ना बुरा लगे। और अपना तो सिस्टम इतना लाजवाब, इतना बेहतरीन है कि 50% अवेयरनेस। पापा कहते हैं मेरे कि अगर हम किसी और की जब भी मीटिंग होती है तो बोलते हैं कि आपका बेटा नहीं दे सकता कमाई का 50%, लेकिन हम अपने बेटियों को यहाँ पे बिल्ड कर रहे हैं, अपने बेटियों को सिखा रहे हैं, मैं ये बिजनेस करवा रहा हूँ, ये चाहेंगे भी कि नहीं दे 50%, तब भी चलाएगा हमको। तो साथियों, इतना बेहतरीन सिस्टम है अपना कि 50% जो कि खुद का, आपका खुद का बच्चा नहीं दे सकता, लेकिन यहाँ पे आप जिसको लाते हो वो दे सकता है। तो उसके लिए आप लोगों को ये चीजें बहुत जरूरी है कि टीम का मैनेजमेंट हम लोगों को आना चाहिए, अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता यहाँ पे। और बात करें 23 अप्रैल की, तो बहुत ही शानदार जबरदस्त तैयारी चल रही है, प्रयागराज से भी सभी की चल रही है, और हम लोगों की भी बहुत बेहतर तैयारी चल रही है, और बहुत बेहतर अचीवमेंट के साथ हम लोग आएंगे। जब नेक्स्ट बार दद्दा जी का बर्थडे था, तो उनसे सब लोगों ने बर्थडे के दिन जब मीटिंग हुई थी तो सब लोगों से पूछा गया था कि आप अचीवमेंट के रूप में दद्दा जी को क्या गिफ्ट करोगे। तो हमने बताया था कि दद्दा जी को अचीवमेंट के रूप में हम रॉयल्टी गिफ्ट करेंगे, और आज नेक्स्ट बर्थडे दद्दा जी का बीत रहा है, और बहुत खुशी होती है कि इसी मंथ में जो है एनिवर्सरी है, और दद्दा जी को दद्दा जी का गिफ्ट मिल जाएगा। और बहुत बेहतर लग रहा है साथियों यहाँ पे काम करने करके, आप अपने साथ साथ अपनी पूरी फैमिली को ले आई जेएमबीडी में, क्योंकि मैं ये चीज अनुभव कर रही हूँ कि अगर पूरी फैमिली जेएमबीडी में रहेगी तो काम करने का जो मजा है वो बहुत ही बेहतर रहेगा। और एमएलएम तो शानदार है ही, वो अभी नहीं आगे चल के जितने भी लोग हैं सबको पता चल जाएगा। हम शिवांशु सर से चाहेंगे, हम अपनी बातों को रखते रहेंगे, शिवांशु सर बीच में मौका दे दीजिए, और रेखा मौर्या जी को जो कि सुल्तानपुर से हैं, रेखा मौर्या जी के नाम से हैं, आप उनका माइक अनम्यूट कर दीजिए। आप सभी साथियों को जय माता दी, जय जय एमवीडी। और जय आप लोग सही माता होंगे। मेरा नाम रेखा मौर्या है, मैं सुल्तानपुर और कटका मलिकपुर के एक छोटे से गांव जहाँ पे मेरा मायका है, और मारुआ अकबरपुर के पास में एक छोटा सा गांव जो नवाबपुर, जहाँ मेरा ससुराल है, मैं वहां से बिलोंग करती हूँ।
और मैं एक हाउस वाइफ हूँ, और जो है मैं बहुत पहले से ही योग करती हूँ। मैं पहले बार भी मीटिंग बताई थी कि मैं बहुत पहले से करती थी, लेकिन थोड़ा किसी कारणवश मैं छोड़ के चली गई थी। तो जो है अब फिर से मैं आई हूँ अपने बिजनेस में, तो अपने बिजनेस को मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और नमन करती हूँ, और अपने सीनियर को भी मैं कोटि कोटि प्रणाम और नमन करती हूँ। तो इसी नमन के साथ में अपना मैं थोड़ी सी बातें बयां करती हूँ जो भी है हमारे साथ आज, जो हम इस फील्ड में हैं और जो कुछ हम काम कर रहे हैं। तो इसमें हमारी रानी दीदी और रमेश सर का बहुत ही ज़्यादा सहयोग है, क्योंकि हम इनके ही से आए थे, रमेश सर और रानी दीदी के थ्रू ही आए थे, क्योंकि इन्होंने हमको रास्ता दिखाया था। और बीच में स्नेहा दीदी भी आई जो हमारी सीनियर बनी, और इनसे भी हमने काफ़ी कुछ सीखा। तो दोस्तों ये अपना जो बिजनेस है, ये जो अपनी ताकत है लोगों की, ये बहुत ही ज़्यादा है, जिसे हम आज तक अनुभव नहीं कर पाए थे और कर नहीं पाते हैं। काफ़ी लोग हैं जो अनुभव नहीं कर पाते हैं, जब हम फील्ड वर्क में निकलते हैं तो लोगों को अनुभव देते हैं लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग भी निराश हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है हम लोग के साथ में, ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन मैं पिछले मीटिंग में मैंने एक सर से सुना था, नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन आज के 2 दिन पहले की मीटिंग थी, सर बोले थे कि जैसे सड़क चलती है और रास्ते में मोड़ आते हैं, उसी तरह से हमारे आपके फील्ड में रास्ते में मोड़ आएंगे। तो साथियों घबराना नहीं, अगर कुछ करना है आगे बढ़ना है तो रास्ता क्रॉस करो और आगे बढ़ो। तो इस सर के बातों में बड़ा ही ताकत है और हमको कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि हमको मीटिंग इसीलिए अटेंड करनी चाहिए, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जानकारी जरूर मिलती है। और रहा अपने बिजनेस का जो प्रोडक्ट है, जो अपना सिस्टम है, ये काफ़ी हेल्पफुल है और लोगों के घर से बीमारी बेरोजगारी दोनों दूर कर सकता है, जो हमारे अंदर ताकत नहीं है, जो हम कर भी नहीं सकते किसी के लिए। अगर हम कुछ कर रहे हैं साथियों, तो हम अपने घर की बेरोजगारी दूर कर सकते हैं, ना कि हम दूसरों की कर सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा तो हमारे पास ताकत नहीं है, ना इतना पास हमारे इनकम है कि हम अपनी ज़रूरतें पूरी करें। दूसरे को तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, हमारा ही नहीं पूरा होता तो दूसरों का हम करेंगे कहाँ से। लेकिन दादा का इतना दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमको ये सिस्टम दिया कि बिना लगात लगाए हम, बिना कुछ किए हम, अपने बिना इनकम अपने हम लगाए हम लोगों का भी सहयोग कर सकते हैं और अपने घर की भी जरूरतों को पूरी कर सकते हैं, सपने पूरे कर सकते हैं। हम इनकम हमारी आती है जो भी हम करते हैं, लेकिन हम जरूरतें पूरी कर पाते हैं साथियों, इन जो हमारे सपने होते वो अधूरे ही रह जाते हैं। तो इसलिए हम कहना चाहेंगे कि अपने सिस्टम में आओ और आके कोई भी काम करोगे बगैर ईमानदारी के तो कोई सफलता मिलती ही नहीं है। तो इसलिए कोई भी चीज़ करो ईमानदारी से करो, करना ही चाहिए ईमानदारी से, क्योंकि कहीं भी अगर हम गद्दारी करते हैं तो हमारे लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक होता है और हम गिर जाते हैं। तो इसलिए जो भी करना है हमको ईमानदारी से करो, वो अपना बिजनेस हो या तुम किसी के बिजनेस से जुड़े हुए हो, तो बिजनेस तो अपना ही होता है। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम उसके नौकर बन के काम कर रहे हैं, नहीं, ये साथियों नहीं हमारे मन में कभी आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारा अपना बिजनेस है, बिना लगात लगाए हमने खड़ा किया है। केवल हमको इसमें अपने एक दूसरे का सहयोग की, एक दूसरे का संगठन का तो ही साथ रहता है, हमने लगाया क्या है, केवल हम अपनी बातों को, जो आज हमारे मीटिंग का जो टॉपिक है कि शब्दों की ताकत जो है, बस अपनी बातों को ही तो रखना है और इतने धैर्य से, इतनी सहनशीलता से रखनी चाहिए, लोगों को समझ में आना चाहिए और थोड़ा नरम होकर बातें करना चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान के घर में परेशानियां होती हैं। अगर हम गुस्सा करके बात करेंगे, हमने समझाया वो समझ में नहीं आया उसको, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ हमको भी गुस्सा बहुत आती है, लेकिन बहुत ज़्यादा दिन से तो हम है नहीं इसमें, करीब करीब बहुत ज़्यादा 1 हफ्ते से ही हैं, लेकिन 1 हफ्ते में हमने 2 ही 4 मीटिंग अटेंड किया है और रानी दीदी का सपोर्ट मिला है, जिससे उनसे हम ये जरूर सीखते हैं कि हम गिरते हैं तो हम खड़े भी होते हैं, तुम ये भूल कहाँ जाती हो, फिर हम लोग तो साथ में है ही हैं, तो ये कहाँ तुम भूल जाती हो कि हम तुम्हारे साथ कोई नहीं है। तुम अपना थोड़ी ना कर रही हो, अपने घर का बिजनेस थोड़ी ना कर रही हो, अपना बिजनेस कर रही हो जहाँ पे तुमने कुछ लगाया भी नहीं है, फिर निराश क्यों होने का? नहीं, निराश कभी नहीं होने का, हमको आगे बढ़ने का और उसके बाद फिर कदम से कदम मिला के चलने का। सर लोग तो है ही हमारे साथ में, दद्दा है हमारे साथ में, रमेश सर है हमारे साथ में, ओम सर है हमारे साथ में, बाकी जितने भी हमारे सीनियर लीडर हैं सब लोग हमारे साथ में हैं, तो हम क्यों पीछे हटें? फिर हम डरें क्यों? हम कोई चोरी तो किए नहीं है। आपका और अपने घर का, अपने मोहल्ले का, अपने देश की बेरोजगारी का ही तो सोचे हैं,
और उनकी बीमारी को ही तो दूर करने का सोचे हैं, तो हमने गलत क्या किया है। और सबसे बड़ी खुशी दोस्त हमको इसमें इस चीज की मिलती है कि हमने लगात नहीं लगाया है, इसलिए फिर भी हम इतने बड़े बिजनेस के मालिक बन के बैठे हैं कि हमारा बिजनेस है। हम कितना गर्व से कह सकते हैं कि हमारा बिजनेस है और हमारे प्रोडक्ट हैं, आप यूज करके तो देखिए एक बार। तो ये हमारे जो साथी हैं, हमारे जो सीनियर लीडर हैं, और बहुत सीनियर लीडर से तो हम मिले नहीं हैं, लेकिन रमेश सर से जरूर मिले हुए हैं, क्योंकि हम सामने आंखों में आंखें डाल के सर से बात करते हैं, तो काफी अच्छा लगता है कि सर कितना मोटिवेट करते हैं हम लोग को, बहुत मोटिवेट करते हैं। हम कभी सोचे भी नहीं थे, हमने पढ़ाई इतना किया कि कोई पढ़ाई छोड़ी भी नहीं है, जो भी हमारे हैसियत में थी हम लोगों ने किया है पढ़ाई, लेकिन जो पढ़ाइयों में हमने कभी, हमको यहाँ तक खड़े होने का शायद मौका नहीं मिला कहीं, हम सोच भी नहीं सकते हैं, कि सोचते भी तो उसे समझ नहीं आता कि हाँ हम शायद कहीं खड़े हुए होंगे इस मंच पे आके। लेकिन आज ये मतलब इतना गर्व होता है, इतना अच्छा महसूस होता है कि जो हम बयां भी नहीं कर पाते हैं, अंदर ही रह जाता है, धड़कने भी बढ़ जाती हैं कि मतलब आज हमको इतना ज्यादा अच्छा सुनहरा मौका दिए हैं सर लोगों ने, जबकि हम कुछ किए भी नहीं है। उसके बाद में भी एक दिन मैं मीटिंग सुन रही थी, पहली ही मीटिंग थी मैंने अटेंड किया था, और मैं सुन रही थी कोई सर मीटिंग दे रहे थे, नाम तो मुझे याद नहीं, क्योंकि मैं पहले दिन मीटिंग थी, मैं समझ भी नहीं पाई उसमें कि क्या हो रहा है। तो जो है सर उसमें बोल रहे थे, मैं ये सोच रही थी कि वो पता नहीं ये सर लोग कितना मेहनत किए होंगे जो आज यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और इतने लोग उनको सुन रहे हैं। मेरे मन में ये भाव चल रहा था कि कभी हम भी इतना लंबा मेहनत हमको भी करना पड़ेगा, पता नहीं कब हमारा नंबर आएगा, हमको भी बोलने को मिलेगा। आज मैं अपने मन की बात तो आपसे बयां कर रही हूँ कि साथियों इतना ताकत, इतनी जल्दी, इतना हुनर, मतलब सर लोगों के इतना मोटिवेट करने से इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है हमारे अंदर कि हम गिरने के बजाय खड़े हो जाते हैं सीधे आके, नहीं हम कर सकते हैं। और सर रानी दीदी ने हमको इतना ताकत दिया कि एक मीटिंग छोड़ी दूसरी मीटिंग में हमको आके खड़ा कर दिया लाके, ये तो हम कभी सोचे भी नहीं थे। हम इतना पढ़ते थे, लेकिन क्लास में देखा जाता है कि क्लासमेट होने के बाद में हमको जो बच्चे अच्छे होते हैं पढ़ने में, अच्छे घराने के होते हैं, उनको ही मौका देते हैं टीचर लोग कि तुम कुछ कर सकते हो, कुछ बोल सकते हो, पीछे नहीं बैठो, आगे बैठो, बाकी बच्चे सोचते हैं कि उनको बैठने नहीं दिया जाता। लेकिन अपना सिस्टम इतना ज्यादा अच्छा है कि जितनी तारीफ करो उतना कम है, मैं तारीफ कर भी नहीं पाती कितना मैं तारीफ करूँ कि बताओ, सबको एक समान देखा जाता है और एक ही मंच पे सबको खड़ा किया जाता है लाके, वो ये मायने नहीं रखता है कि वहाँ वो किस घर से है, किस जाति से है, किस बात से है, कितनी पढ़ी है, अनपढ़ है कि गंवार है, कि बड़े हैं कि बूढ़े हैं कि बच्चे हैं, ये नहीं देखा जाता हमारे यहाँ। ये कितनी गर्व की बात है कि दादा ने हम सबको इतना सुनहरा मौका दिया एक परिवार की समझ के, ये बहुत ही गर्व की बात है दोस्तों। हम अपने सिस्टम में यही सबसे करते हैं और हम लोग फील्ड में निकलते हैं, हम तो बहुत ज्यादा ही मोटिवेट नहीं हो पाते हैं, मतलब खुद को कमजोर समझने लगते हैं कि आज ऐसा ऐसा हुआ, आज ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन रानी दीदी साथ में रहती है और इतना ज्यादा वो हमारे जो सीनियर लीडर है रमेश सर, इतना जल्दी मोटिवेट कर देते हैं कि आगे बढ़ो, पीछे क्यों घूम के देखते हो, चलो आगे बढ़ो, बहुत हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं सोचते सोचते हम कामयाब हो जाते हैं और जो हमारे को एकदम निराश करके हम लोग बैठ जाते हैं कि अब कैसे ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो हमारी मिशन की तैयारी चल रही है, इसमें हम कोशिश करते हैं कि अपनी दीदी और हम अपने कदमों पे खड़े होके वो चीज हासिल करें जो हम करना चाहते हैं। तो सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा मैं माफी चाहती हूँ कि बेटा आ गया, थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया, तो इसीलिए थोड़ा सा हम जाते जाते इतना कह के जाएंगे कि अपने सिस्टम में बहुत ही ताकत है, बहुत ही अच्छा है, और हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा हम कह सकें, अच्छे से अच्छा हम कर सकें, और हम उस रास्ते पे हम भी आके खड़े हो सकें जो हम सोच नहीं सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो इसलिए हम थोड़ी सी जल्दी हेलो देखा जी, आपने बहुत ही बेहतर तरीके से अपनी बातों को रखा और आने वाले टाइम में आप एक यूनिक डायमंड लीडर बनोगे जेएमबीडी के, क्योंकि वो पावर आपके अंदर है। कहते हैं कि जो जाके वापस आ जाए वो वाकई में बिल्कुल सॉलिड हो जाता है अंदर से, क्योंकि रेखा जी की जॉइनिंग बहुत पहले से है बट उन्होंने स्टार्टिंग अभी की जब हम लोग गए थे सुल्तानपुर, और बहुत ही बेहतर तरीके से इन्होंने वापसी की है और बहुत जल्द बहुत बेहतर अचीवमेंट के साथ आएंगी भी ये मीटिंग में। तो साथियों इसी बीच हम मौका देना चाहेंगे और आज मीटिंग को थोड़ा सा 10 मिनट और एक्स्ट्रा करेंगे स्नेह लता जी, जो कि सुल्तानपुर से ही हैं और बहुत बेहतर तरीके से अपनी बातों को रख
रखती हैं और बहुत ही बेहतर काम भी कर रही हैं मैम। फील्ड में निकलना और काफी दूर है रानी मैम से, लेकिन हमेशा एक पॉजिटिविटी बना के रखती हैं सिस्टम के प्रति, ये बहुत बेहतर है मैम के अंदर। तो शिवांशु सर, स्नेहलता जी का माइक अनम्यूट कर दीजिए, वो भी अपने बातों को रखते। जय जय मेरी सभी साथियों को। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम स्नेहलता सिंह है, मैं सुल्तानपुर की रहने वाली हूँ। जैसा कि आज का टॉपिक रखा गया है शब्दों की ताकत, ये तो मतलब बहुत ही अच्छा है कि अपनी ये अपने शब्द तो बहुत ही मायने रखते हैं। जैसे कि हम जिस किसी के यहाँ जाते हैं प्रोडक्ट लेके या कहीं भी जाएंगे, तो हम उसको किस तरह से समझा पाते हैं, किस तरह से बता पाते हैं, किस तरह वो हमारी बातों को समझ सकता है। बहुत ज्यादा तो मुझे नहीं पता है, पर जितना मुझे जानकारी है मैं उतना सबको बताती हूँ, कोशिश करती हूँ। और अब जाके मेरा जो है काम जो है लाइन पे आ रहा है। कल मैं पूरे दिन सूर्यपुर मार्केट में थी, एक डॉक्टर साहब हैं उन दवा लेने के लिए कहा, एक मेडिकल स्टोर वाले भैया हैं और एक लोग और भी हैं, उन्होंने मतलब कल की ज्वाइनिंग के लिए बोले हैं। ऐसे मतलब दो चार छह लोगों के पास गई, उन लोगों ने मुझसे कोई भी सवाल नहीं किया और उन्होंने कहा कि भाभी आप पहले आई होती। तो मैंने कहा मुझे हिचक की वजह से मैं नहीं आई। कहे तो उन्होंने कुछ प्रोडक्ट लिया और अब कल के लिए उन्होंने बुलाया, कहे ठीक है मेरे भी ज्वाइनिंग लगा दीजिए, मैं भी सामान लिया करूंगा। हमने पूछा आपको क्या चाहिए, वो बोले जो आपको समझ में आए सब दे दीजिएगा। हम कहे चलिए ठीक है। और उसके बाद वहाँ एक हमारे यहाँ बिजली, आप लोग जानते होंगे, बहुत प्राचीन हमारे घर से 1 किलोमीटर है, रास्ते में पड़ता है। तो वहाँ एक चाट वाले भैया बैठे थे, उनका वजन कम से कम 1 क्विंटल 40 किलो ऐसा कुछ था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरा वेट करने के लिए कुछ है आपके कंपनी में। हम कहे कि रमेश सर से हमने उनकी बात करवाई, तो वो कहीं दवा ले रहे थे, तो कहे कि जो है इसमें जो परहेज करना पड़ेगा, मतलब जैसे जो है फ्रूट खाइए और फल वल खाइए, जूस पीजिए। तो उन्होंने कहा कि इतना तो हम नहीं कर सकते। उन्होंने मुझे एक दर्द नाशक तेल मुझसे लिया और उन्होंने तुरंत खोल के वहीं पे लगाया, उनको बहुत अच्छा फील हुआ। और ये विनय भैया ने बॉम लिया और हर चीज लिए, उन्होंने कफ सिरप लिया, उन लोगों को बहुत अच्छा लगा। वो लगाए, उन्होंने कहा कि जो है ये तो बहुत अच्छा लगाते, मुझे बहुत असर कर रहा है, क्योंकि सारा दिन उनका काम करने का होता है शनिवार मंगलवार, और काफी दिन भी वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ होती है। उनको बहुत अच्छा लगा, उन्होंने भी संभालने के लिए जब उन्होंने कहा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब तक मैंने जो JMBD से लगभग 40,000 का सामान मंगा चुकी हूँ। अब तक तो मैं बाहर बाहर काम करती थी, जैसे अपने मायके हुआ, अपने नंदों के यहाँ हुआ। अब 2-3-4 महीने से मैंने सोचा हो सकता है अपने क्षेत्र में ही काम किया जाए, अपने गांव में, अपने सूर्यपुर मार्केट में। तो हर जगह मेरा जो है काम अच्छा चल रहा है, लोग जो लोग प्रोडक्ट ले रहे हैं समझ रहे हैं और इसकी गुणवत्ता को भी बताते, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ, अब तक मेरी 14-15 लगभग ज्वाइनिंग हो चुकी है, कर चुकी हूँ। और अभी जो है सोच रही हूँ जब तक जो है यूनिवर्सिटी तक कुछ न कुछ मैं भी अचीवमेंट करूँ, और यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और दादा जी को मैं कोट कोट धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने इतना अच्छा सिस्टम बनाया और जो है हम लोग को एक जो है काम करने का मौका मिला, और एक दूसरे के लोगों से जोड़ने का भी बहुत अच्छा है। JMBD एक परिवार की तरह है, जिससे भी बात करो अपने कभी लगता है नहीं कोई पराया है, अपने से भी अच्छा लगता है। बात करूं रमेश सर की, तो रमेश सर से मैं हर वक्त हर चीजें पूछती हूँ, किस किस मरीज को क्या दिया जाए, क्या नहीं दिया जाए, इसको कैसे क्या दिया जाए, तो सब चीजें मुझे बताते हैं। और रानी मैडम तो है ही, बट मैं यहाँ अकेली बहुत पड़ जाती हूँ, फिर भी मैं अकेले ही निकल जाती हूँ फील्ड में, कुछ इधर उधर नहीं देखती हूँ। जो भी मुझे समझ में आता है मैं सबको बताती रहती हूँ, और मेरा काम भी माता रानी की कृपा से इस वक्त जो है अच्छा चल रहा है। और सबका सपोर्ट रहता है, सभी लोग बहुत अच्छे हैं अपने परिवार में, JMBD परिवार में जितने भी साथी हैं सब बहुत अच्छे हैं। जैसा कि मैं प्रयाग वहाँ पंजाब गई थी, तो सबसे मिलना जुलना मेरा हुआ, बहुत अच्छा लगा कि हम लोग रुके थे, वो भी बहुत अच्छा लगा। इनके पापा, इनकी बहन, मतलब पूरा फैमिली सब बहुत अच्छा लगा। और ये सिस्टम तो बहुत ही अच्छा है यहाँ, बट कोई करने के लिए नहीं कहता मेरे घर में, ना यहाँ कहीं कोई मतलब वो नहीं रहता, लेकिन हम करते हैं। मैं कहती हूँ मैं करूँगी और एक दिन मेरी मेहनत जरूर रंग लाएगी।
और मुझे सबको करके दिखाना है। और सब अच्छा ही है, क्या बोलूं, जो है जितना मेरे समझ में आ रहा है मैं बता रही हूँ। सभी साथियों को जय जय अम्बेडी, जय माता जी। जय जय अम्बेडी मैम, जय माता दी। बहुत सुंदर तरीके से आपने अपना अनुभव शेयर किया और बहुत अच्छी तरीके से आप काम करते हो। वाकई में आप अकेले काम करती हैं और ये बहुत बेहतर, बहुत जबरदस्त बात है। और आज टाइम बहुत ओवर हो गया है, तो हम चाहेंगे रानी मैम, जो कि हम सबके ग्रेट लीडर हैं महिलाओं में, जिन्होंने मीटिंग की स्टार्टिंग की, तो मीटिंग की एंडिंग भी वही करेंगे। रानी मैम, अगर हमारी आवाज आपको आ रही हो तो आप मीटिंग को कंटिन्यू करो। और आप सभी को जय जय अम्बेडी, जय जय। तो बहुत अच्छा सभी ने बोला और बहुत बेहतर तरीके से सभी ने अपनी बातें रखी। बहुत अच्छा आज की मीटिंग में सबको सुन के बहुत ही अच्छा लगा। तो दोस्तों, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि हमारे कुशीनगर में एक बहुत बड़े शोरूम की ओपनिंग हुई है, जो तेज प्रताप विश्वकर्मा जी के माध्यम से। तो सर को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी जेएमबीडी परिवार का अच्छा शोरूम खोलने के लिए। तो सर को हमारे पूरे जेएमबीडी परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो, धन्यवाद कि मतलब सर कुशीनगर में एक बड़े स्टोर के साथ अब बिजनेस का उधर जो है, हम लोगों को भी मौका मिलेगा कि अपना बिजनेस हम उधर जाके बढ़ाएं। तो सर के माध्यम से इतना सहयोग मिलेगा कि सर ने वहां पे पहले ही शोरूम की ओपनिंग कर दी। तो जेएमबीडी का इतना बड़ा शोरूम खोलने के लिए तेज प्रताप विश्वकर्मा जी को बहुत बहुत बधाई हमारे पूरे जेएमबीडी परिवार की तरफ से। और सभी लोगों ने आज बहुत बढ़ चढ़ के अपनी बातें रखी और बहुत अच्छा लगा सबकी बातों को सुन के। और दोस्तों, हम लोग इतना देर मीटिंग जो किए, जितने लोगों ने हमारी बातों को सुना, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे ज्यादा धन्यवाद शिवांशु भैया को देना चाहूंगी कि जितनी देर हम लोग मीटिंग करते हैं, किसी को अनम्यूट करना हो तो बहुत अच्छा सहयोग रहता है शिवांशु भैया का। तो शिवांशु भैया को दिल से धन्यवाद करती हूँ, बहुत ही मेहनत करते हैं और हम सब का सहयोग करते हैं। कुछ भी काम हो तो शिवांशु भैया कभी मना नहीं करते हैं। तो जितने भी हमारे सिस्टम में जितने लोग हैं, सब बहुत ही सराहनीय हैं। सबका दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ, और अपने सारे सीनियर को और सारे जितने हमारे गुरु हैं, सब को मैं दिल से नमस्कार करती हूँ। और दद्दा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ हम सबको इस सिस्टम में जोड़ के रखने के लिए और ऐसा सिस्टम बनाने के लिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी मीटिंग का समापन करती हूँ। आज जितने लोग मीटिंग में बैठे हैं, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इसी शब्दों के साथ सभी दोस्तों को जय जय अम्बेडी, जय माता दी।